हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। सो जितने भी मेरे 10th क्लास के बच्चे हैं भाई, जल्दी से क्लास के अंदर जुड़ जाएं। आप लोग जानते हो कि टर्म 2 की तैयारी चल रही है एंड हम लोग हमारी ट्रिप पर निकले थे, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसको हम कर रहे थे, है ना। और एक ट्रिप पर निकले थे जिस ट्रिप में हम लोग गोवा घूम कर आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, गोवा के बाद हम लोग घूमने गए थे दूसरी जगह कुर्ग में, और आज हम तीसरी जगह घूमने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे जानते होंगे कि तीसरी जगह जो है हमारी जर्नी का जो पार्ट बनने वाली है वो जगह कौन सी है, लेकिन उससे पहले मैं सभी बच्चों को एक बारी अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। हाई गाइज, माई नेम इज़ निकिता एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश एंड विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर टर्म 2 एग्जाम्स टुगेदर। सो अब हमारी जो जर्नी है जो साथ में शुरू हुई थी, ठीक है, वो कहाँ आ चुकी है, वो आ चुकी है भाई आसाम। ठीक है, अब बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है ये। किस चीज़ के लिए, चाय के लिए। अब जितने भी टी लवर्स हैं वो ज़रा कमेंट सेक्शन में आ जाए, ऐसे हाथ धीरे से उठाते हैं। मैम चाय, हाँ चाय भाई, इन हमारे भारतीयों के लिए ना चाय जो है वो एक बेवरेज नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसे ड्रिंक नहीं है जो हम लेते हैं, वो एक इमोशन है, वो एक प्यार है। मानते हो कि नहीं मानते हो, मतलब मैं मानती हूँ, हालांकि आई एम अ कॉफ़ी लवर। ठीक है, सो हमारी ट्रिप बड़ी अच्छी रही कि पहले हमने ब्रेड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने कॉफ़ी के बारे में पढ़ा, फिर हमने चाय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो होता है ना, चाय के साथ ही ब्रेड वगैरह खाई जाती है। ठीक है, बहुत ही लेम जोक था बट ठीक है। सो यहाँ पर हाँ जी, तो जितने भी चाय लवर्स हैं, चाय के बारे में, और यार चाय जो है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है असम की, है ना, असम और उसकी चाय। अब उसी के बारे में एक बहुत ही प्यारी, क्यूट सी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी एक स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टोरी लिखी गई है आरूप कुमार दत्ता के द्वारा। अब बच्चे, मैं हमेशा बोलते आई हूँ, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि ये नाम ना भूल पाओ आप, ये नाम आपको याद रहना चाहिए भाई, राइटर का नाम, ठीक है, क्योंकि ये ना एग्जाम में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। सो राइटर का नाम, ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टी फ्रॉम असम, चैप्टर नंबर 7, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, टेक्स्ट नंबर 3, ये हमारा टॉपिक है। अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब कहानी को पढ़ने से पहले कहानी के बारे में हम जान लेते हैं कि कहानी है किस बारे में। सो कहानी यहाँ पर बेटा दो दोस्तों की है, एक है प्रांजोल, ठीक है, प्रांजोल कौन है, एक यंगस्टर फ्रॉम असम, यानी कि असम में रहने वाला एक नौजवान लड़का है, और दूसरा है राजवीर। अब ये दोनों कौन है, ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। दिल्ली में दोनों पढ़ाई करते हैं, प्रांजोल भी दिल्ली में पढ़ता है, राजवीर भी दिल्ली में पढ़ता है, दोनों क्लासमेट्स हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। अब प्रांजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब बात यहाँ क्या हो रही, देखो प्रांजोल जो है असम का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली में वो क्या कर रहा है बच्चे, दिल्ली में वो पढ़ाई कर रहा है, राजवीर है उसका दोस्त। अब प्रांजोल का जो घर है असम में है, वहाँ पे उसके पापा का एक बहुत ही बड़ा चाय का खलियान है, ठीक है, टी गार्डन है उनका। अब प्रांजोल ने राजवीर को बुलाया है कि यार गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें असम दिखाऊंगा। अब राजवीर जो है वो पहली बारी जा रहा है असम, उसने आज तक कभी चाय के गार्डन्स नहीं देखे हैं, टी गार्डन्स उसने आज तक कभी नहीं देखे हैं, असम वो कभी आज तक नहीं गया है। सो उसके लिए पूरा का पूरा एक नया हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस होने वाला है। सो उस एक्सपीरियंस के बारे में हम पढ़ेंगे, चाय के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। सो जितने भी कॉमेंट सेक्शन में मेरे बच्चे बैठे हैं जो चाय लवर हैं भाई, सबसे पहले तो ना एक बारी चाय लवर्स एक बारी जैसे हल्ला मचा दे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लाइव चैट में मत करिएगा, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लाइव चैट ना मैं पढ़ नहीं पाती, कमेंट्स पढ़ने में आपके बहुत मज़े आते हैं। सो लाइव चैट को बंद करके देखना, वहाँ पे कमेंट सेक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में ना एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कॉफ़ी जीतती है कि चाय। सो एक कॉम्पिटिशन कर लेते हैं चाय लवर्स और कॉफ़ी लवर्स के बीच में। सो जितने भी चाय लवर्स हैं जल्दी से जाकर के कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या फेवरेट है, चाय है तो चाय इज़ द बेस्ट, और अगर कॉफ़ी है तो मेरी तरह कॉफ़ी लवर्स एक बार जोर से चिल्ला करके बोल दे कि येस मैम कॉफ़ी इज़ द बेस्ट एंड वी आर विद यू, ठीक है। सो अब ये कहानी जो है, जैसे कि मैंने बताया है कि ये चाय के बारे में है, चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसके अंदर। सो शुरू करते हैं प्रांजोल और राजवीर की कहानी को। अब कहानी बेटा कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि ये लोग बैठे हुए हैं एक कहाँ पर, एक ट्रेन के अंदर। अब जोर से आवाज़ आती है उन्हें चिल्लाने की, चाय गरम गरम चाय। एक बहुत जोर से तीखी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बाहर एक सामान बेचने वाला इंसान, व्यक्ति जोर से चिल्ला रहा होता है, चाय बेचने वाला व्यक्ति, ठीक है, चाय वाला, वो बोल रहा है गरम चाय, चाय गरम।
और फिर वो खिड़की पर जा कर के पूछता है कि चाय साहब, चाय पीना चाहेंगे साहब, चाय पीना चाहेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है, प्रांजल जवाब देता है कि हाँ जी हमें दो कप दे दीजिए, गिव अस टू कप्स। सो वो दो कप ले लेता है चाय, किसके लिए, अपने लिए और राजवीर अपने दोस्त के लिए। ठीक है, अब लोग बड़े आराम से बैठ करके वो गरम गरम चाय ऐसे चुस्कियाँ लेकर के पी रहे होते हैं और वहाँ पर कंपार्टमेंट में हर एक बैठा हुआ व्यक्ति चाय पी रहा होता है। या देखो, मैंने जैसे कि बोला हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं और हमारे लिए चाय जो है ना वो केवल एक ड्रिंक नहीं है, वो एक इमोशन है। समझती हूँ मैं, हालांकि आई एम अ कॉफ़ी लवर बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड। चाय का एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, ठीक है, चाय की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। लोगों की शुरुआत चाय के साथ होती है, जहाँ पर भी जाए थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो लोग सबसे पहले चाय बोलते हैं कि भाई चाय पी लेते हैं। सो ऐसा ही था कि उन्होंने, जैसे ही उन्होंने सुना कि हाँ भाई कोई आवाज़ लगा रहा है चाय गरम गरम चाय, और ट्रेन के अंदर वो बैठे हैं, तो उन्होंने आकर के खिड़की पे पूछा कि साहब चाय पीना चाहोगे, तो उन्होंने, प्रांजल ने बोला कि हाँ जी दो कप दे दीजिए। अब प्रांजल और राजवीर दोनों बैठ करके आराम से चुस्कियाँ लेते हुए चाय पी रहे थे और कंपार्टमेंट में जितना भी उनका डब्बा था ट्रेन का, उसमें सभी लोग क्या कर रहे थे, सभी लोग चाय पी रहे थे। अब वहाँ पर अचानक से क्या होता है, राजवीर बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन राजवीर दे रहा है, किसको दे रहा है, राजवीर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्रांजल को चाय के बारे में। वो केवल प्रांजल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, इसी टाइप की चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्स में आती हैं। सो इसे बहुत बड़ा बड़ा ऐसे अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से अच्छे से समझना, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन राजवीर दे रहा है वो ध्यान से समझना, वो इंडिया की बात नहीं कर रहा है बेटा। गलती से भी अगर क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में आ जाता है, या फिर वो बोलते हैं कि बता दो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, दिए गए चार पांच स्टेटमेंट्स में से, सो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। वो ट्रिकी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वो लास्ट में हो सकता है यहाँ पर वर्ल्ड की जगह इंडिया लिख दे कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट दी इंडिया, या थ्रू आउट इंडिया ऐसे करके लिख सकते हैं, दी तो नहीं आएगा बट वो लिख देंगे इंडिया। तो गलती से भी मत सोच लेना जल्दी जल्दी में कि हाँ नंबर सही लिखा हुआ है तो यानी कि टिक, ये तो ट्रू है। आप देखना बेटा कहाँ की बात हो रही है, पूरे भारत की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, पूरे विश्व भर की इन्फॉर्मेशन दी थी कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, मतलब कि चाय के कप। आप सोचो पूरे पूरे दुनिया में, पूरे हमारी जो छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी अर्थ है, पृथ्वी पर पूरे जहान में 80 करोड़ चाय के कप जो है वो पिए जाते हैं एक दिन में। एक दिन की बात है, ये एक दिन का डेटा है, ठीक है। अब ये बात तो प्रांजल को भी नहीं पता थी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगी जो बच्चे बैठे हैं। तो प्रांजल ने बोला बाप रे फ्यू, इतना ज़्यादा चाय इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, बाप रे। और हाँ जी भाई पॉपुलर है शायद प्रांजल ने, प्रांजल भी एक इंडियन ही है तो प्रांजल को पता होगा चाय तो है बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। सो ये बात हुई। सो बच्चे यहाँ पर क्या याद रखना है कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट दी वर्ल्ड। अब इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ जो ट्रेन थी वो भी चल पड़ी। अब ट्रेन जैसे चल पड़ी तो प्रांजल के लिए, अब यहाँ समझना यार, प्रांजल अपने घर जा रहा है, ठीक है बेटा, प्रांजल अपने घर जा रहा है तो उसके लिए वो रास्ता तो आम रास्ता है। जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं घर जाता है, वही सारी चीज़ें देखता है, वही रास्ता देखता है, वही पहाड़ आते हैं, वही सब कुछ है। पर प्रांजल के लिए वो आम बात है, पर राजवीर के लिए नहीं है, क्योंकि राजवीर तो पहली बार जा रहा है। अब यार हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब अगर हम पहली बार ही कहीं जा रहे हों तो नहीं आती नींद, रास्ते में बैठे रहते हैं कि क्या आया अभी, अच्छा हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंच गए अभी पता नहीं। लेकिन व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू आस्क माय फादर, मतलब अगर हम बोले जैसे कि हर 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट नहीं 1 घंटे के अंदर, कहाँ पहुँच गए, पहुँच गए हम, पहुँच गए हम लोग जगह पे पहुँच गए। सो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, और ऐसा ही कुछ क्यूरियोसिटी, ऐसी कुछ जिज्ञासा जो थी हमारे राजवीर के अंदर थी कि वो पूरा रास्ता बड़े ध्यान से देख रहा था कि ये रास्ता क्या है यार, बहुत अलग रास्ता है, आज तक इस रास्ते पे कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया है, मुझे नहीं पता इस रास्ते में क्या मिलने वाला है। सो प्रांजल ने क्या किया, प्रांजल का तो घर था, प्रांजल तो वहाँ आता जाता रहता था, प्रांजल के लिए तो आम बात थी। तो बच्चे प्रांजल ने क्या किया, प्रांजल ने तो अपनी डिटेक्टिव वाली बुक निकाली और उसमें एकदम ऐसे नाक गढ़ा करके बैठ गया और वो बुक पढ़ने लग गया, ठीक है। राजवीर जो था उसको भी डिटेक्टिव वाली स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही कट्टर, एकदम सुपर जबरा फैन था वो, ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरीज का। लेकिन डिटेक्टिव स्टोरीज से ज़्यादा उसको क्या एंटरटेन और क्या एक्साइट कर रहा था,
डिटेक्टिव स्टोरी से ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट मिल रही थी उस नज़ारे से जो वो खिड़की के बाहर देख रहा था, क्योंकि आज तक वो नहीं गया है असम और वो अब पहली बार जा रहा है। सो उसके लिए हर एक डिटेल रास्ते की, हर एक चीज़ें जो हो रही है वो बहुत ज़रूरी थी और बहुत ही ज़्यादा उसका अटेंशन वहाँ पर खींच रही थी। सो वो उस ब्यूटीफुल सीनरी को देखने लग गया। अब वो क्या था, इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। मतलब इतनी हरियाली थी वहाँ पर कि कभी भी राजवीर ने इतनी हरियाली देखी नहीं थी। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह पे हरियाली ही हरियाली दिख रही थी। और जैसे ही वो हरियाली हटती चली गई, वहाँ पे सॉफ्ट पैडी फील्ड्स थी, ग्रीन सॉफ्ट पैडी फील्ड्स थी, जैसे ही वो हटती चली गई, जैसे ही वो सीन खत्म हुआ, उतने में चाय के खलिहान, चाय के बाग, टी बुशेस आने रास्ते में शुरू हो गए। अब देखो, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। अब ये व्यू को जिस तरीके से, ये मैं बोलूंगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस व्यू को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है बेटा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि वो व्यू क्या था, जब राजवीर खिड़की के बाहर देख रहा था ट्रेन से, सो डिस्क्राइब करे उस नज़ारे को, उस व्यू को डिस्क्राइब करे कि नज़ारा कैसा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना सा बस पैराग्राफ आपको अच्छे से याद करके रखना है। अब ये पैराग्राफ में कैसे बता रहे हैं व्यू को, वो कह रहे हैं अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी अगेंस्ट द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड। अब यानी कि आप कह रहे हो कि बैकग्राउंड में ना बड़े बड़े ये पहाड़ थे, किस चीज़ के, वुडेड हिल्स, डेंसली वुडेड हिल्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर बात क्या हो रही है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, यानी कि पहाड़ थे और बहुत ही ऐसे बहुत घने जंगल वाले पहाड़ थे। ठीक है, पहाड़ तो थे पीछे, यहाँ पे पहाड़ तो थे, पर कैसे पहाड़ थे, बहुत ही ज़्यादा, अरे बाप रे, ओके, सो बहुत ही ज़्यादा घने जंगल वाले पहाड़ थे। अब उन पहाड़ों के आगे क्या था, ये समुद्र, समुद्र किस चीज़ का, समुद्र वहाँ पे टी बुशेस का, यानी कि आप ना, आपको ऐसा सीन दिख रहा है, आप जस्ट इमेजिन करो एक बारी कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं असम, और वहाँ पर क्या है, ट्रेन से बाहर देख रहे हैं तो पीछे आपको दिख रहा है कि वहाँ पे केवल बड़े बड़े पहाड़ है जो कि बहुत ही बड़े बड़े घने जंगलों से ढके हुए हैं, और उसके आगे आपको ना ऐसे लगेगा मतलब एक ग्रीन कलर का बहुत ही बड़ा समुद्र। वो ग्रीन कलर का समुद्र क्या है, एक्चुअल में वो टी बुशेस हैं, ठीक है, चाय की झाड़ियां हैं। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड एमिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजिली मूव डॉल लाइक फिगर्स। अब वो बोल रहे हैं कि उन टी बुशेस को, अब चाय की जो झाड़ियां होती हैं वो इतनी बड़ी बड़ी तो होती नहीं है, पेड़ जितनी झाड़ियां होती हैं छोटी छोटी होती हैं झाड़ियां, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि उन झाड़ियों को कौन ढक रहा था, उन झाड़ियों को ढक रहे थे वो बड़े बड़े पेड़, वो बड़े बड़े पेड़ जिन्होंने छाया दे रखी थी उन झाड़ियों के ऊपर, और उन्होंने क्या कर रखा था, वो झाड़ियों के बाजू में वो पेड़ जो थे वो खड़े थे, और उन झाड़ियों के बाजू में कुछ डॉल लाइक फिगर्स, यानी कि जब आप बहुत दूर से कोई चीज़ देखते हो तो वो छोटा सा दिखता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे बच्चे, इस फोटो को देखेंगे, इस फोटो में ये छोटी छोटी डॉल लाइक फिगर्स दिख रही हैं, ये यहाँ पर है एक, ठीक है, अच्छा ये भी एक खड़े हैं, है ना। सो ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक से मैंने मार्क करा है, मैं इसको दूसरे रंग से मार्क कर देती हूँ, वाइट वाइट कर देते अपन, ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे, ये आपको नज़र आ रहे हैं कुछ, ये क्या है, ये डॉल लाइक फिगर्स हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ना दूर से अगर आप देखोगे तो आपको इतने छोटे 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 नज़र आ रहे हैं। सो राजवीर जब ट्रेन से देख रहा था तो उसका नज़ारा जो था वो कुछ इसी तरीके का था, कि उसे लोग बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे थे, अब उसे नज़र आए थे ये पीछे बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ के आगे इतना सारा जो है सिर्फ आपकी जहाँ तक आँखें जा रही है हरा 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 रंग दिख रहा है, और वो किस चीज़ का रंग है, वो है टी बुशेस का, वहाँ पे चाय की झाड़ियाँ हैं और उसके पास बहुत बड़े बड़े पहाड़ पेड़ जो है पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत लंबे लंबे पेड़ खड़े हुए हैं, और उन झाड़ियों के बीच में डॉल लाइक फिगर्स, ठीक है, यानी कि सारे हिलते डुलते हिलते डुलते कुछ ऐसे कुछ फिगर्स नज़र आ रहे हैं। वो कौन है, वो इंसान है, वो टी प्लांटेशन के अंदर क्या, वो टी का जो लीव्स प्लक करने वाले हैं, टी प्लकर्स हैं, ठीक है, जो चाय की पत्तियों को तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर रहे हैं चुन चुन कर, तो वो हैं। अब ये कुछ पूरा का पूरा सीन था, ये कुछ पूरा का पूरा नज़ारा था जो किसने देखा था, जो राजवीर ने अपनी ट्रेन से देखा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत अच्छे से ध्यान देंगे बेटा आप, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर ये पूरा नज़ारा डिफाइन किया गया है।
ठीक है। अब देखो ट्रेन तो आगे बढ़ ही चुकी है, चाय भी उन्होंने पी ली थी शुरुआत में, ट्रेन भी आगे बढ़ चुकी है। अब प्रांजल तो अपनी किताब पढ़ रहा है, उतना ही राजवीर को क्या है, राजवीर को बाहर नज़ारा देखने में इंटरेस्ट आ रहा है। नज़ारा है भी बहुत सुंदर जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, है ना, एकदम इमेजिन हो जा रहा है दिमाग के अंदर। सो अब आगे जो हम पढ़ेंगे उससे पहले हम ले लेते हैं एक बार क्विकली आपका नॉलेज टेस्ट और देखते हैं कि आप लोग कितना ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आ रहा है इस प्यारी सी मस्त सी कहानी में और चाय के बारे में जानने में। सो लेट्स टेस्ट योर नॉलेज, क्विज नंबर वन है एंड क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सो विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू, प्रांजल जो है वो कौन सी स्टेट से था, कौन सी स्टेट का रहने वाला था प्रांजल। हमने जैसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चे, हमने चैप्टर को शुरू करते ही सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हमने सबसे पहले चीज़ पढ़ी थी कि प्रांजल कहाँ का रहने वाला है और राजवीर और प्रांजल कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, लाइव चैट में ना दे करके जल्दी से आंसर को करना कमेंट सेक्शन में, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ का रहने वाला था प्रांजल, जल्दी से, ठीक है, आंसर बताओ, बता दूँ, चलो भाई मेरे को लगता है कि मेरी सारी ऑडियंस ने, मेरे सारे बच्चों ने सही जवाब दिया होगा क्योंकि सारे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। भाई सही बोला आप लोगों ने बेटा, असम का रहने वाले था वो, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है असम, वहाँ का रहने वाला था वो। सो आप लोगों ने एकदम बढ़िया से सही जवाब दिया है, ठीक है, चलो वेरी वेल डन, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, अब आगे भी ध्यान से सुनना क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें चाय के बारे में मिलने वाली है। चलो सो स्टार्ट कर देते हैं, अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि भाई क्या नज़ारा चल रहा था, राजवीर क्या देख रहा था। अब हम आगे आ जाते हैं कि जब उसकी ट्रेन, देखो ट्रेन तो चले जा रही, नज़ारे तो बदलते जा रहे हैं, अब आगे क्या हुआ, इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, के दूर कहीं क्या था कि ना एक बहुत ही गंदी सी बदसूरत सी बिल्डिंग थी जो खंडहर हो चुकी थी और उसकी ना चिमनी में से क्या था, उसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा था, ठीक है। अब हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर को जैसे ही एक टी गार्डन नजर आया, ठीक है, ऐसा कुछ सुंदर सा देख रहे हो, अब आपकी आंखें जहां तक जा रही है बेटा कुछ नजर आ रहा है, ग्रीनरी के अलावा आपको कुछ नजर आ रहा है और ये देखकर इतना सुंदर लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब यहाँ की हवा भी कितनी ताजी होगी, एवरीथिंग इज सो ग्रीन, है ना। सो जैसे ही राजवीर ने नज़ारा देखा उस, वो एकदम एक्साइटमेंट के मारे एकदम चला पड़ा, देखो 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 वहां पर क्या है, वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा टी गार्डन है, सी अ टी गार्डन। सो वो एक्साइटमेंट के साथ बोल पड़ा, एंड प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिड शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। अब राजवीर तो बेचारा पहली बार जा रहा है, उसको जो एक्साइटमेंट है वो प्रांजल को कहाँ होगी यार। अब एक बात बताओ, जो बच्चा कश्मीर का रहने वाला है, वैसे यह है यहाँ पर कोई कश्मीर का रहने वाला मुझे बताना ज़रूर, बड़ी प्यारी जगह है, मैं गई हूँ। अब जो बच्चा कश्मीर का रहने वाला है उसको कहाँ ही एक्साइटमेंट होगी, उसके लिए तो भाई आम बात है, वो तो जाता रहता है, एक्साइटमेंट तो हम लोगों को होगी जो हम पहली बार जा रहे होंगे या कभी कभार जाने को मिलता है। सब राजवीर को जो एक्साइटमेंट थी इट वॉज तो प्रोमिनेंट दिख रही थी कि हे लुक अ टी गार्डन। अब वो जितना एक्साइटमेंट के साथ बोला, प्रांजल को उतनी एक्साइटमेंट थी नहीं क्योंकि वो प्लांटेशन पे, टी गार्डन के प्लांटेशन पे क्या हुआ था, वो वहीं पर तो पैदा हुआ था, पला बड़ा था, सो उसको वो सेम एक्साइटमेंट नहीं थी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, वेल देयर्स, अब यहाँ पर जब ये वाली बात होती है तो उसके बाद ना क्या होता है, इसके बाद जब इनकी आगे बात होती है तो प्रांजल यही बोलते हैं कि तुम्हें अभी आगे आकर बहुत सारे ऐसे टी प्लांटेशंस देखने को मिलेंगे, आगे जाकर के बहुत सारे ऐसे टी प्लांटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। सो अब यहाँ पे जब इनकी बात चलती है आगे, तो राजवीर जो है वो बताता है प्रांजल को कि तुम्हें पता है चाय कहाँ से आती है, इसके ऊपर ना बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं, ठीक है, चाय कहाँ से आती है, चाय के पीछे की कथाएँ हैं, लेजेंड्स का मतलब होता है कथा, ठीक है, लेजेंड्स का मतलब होता है कथा। अब एक लेजेंड होता है जिसको हम अल्ट्रा लेजेंड बोलते हैं कि वाह 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 महान इंसान, लेजेंड थे वो, ठीक है वो, लेकिन लेजेंड्स यानी कि कथाएं, ऐसी पुरानी चलती आ रही कथाएं जिनका हमें पता नहीं होता कि कहाँ से चलती आ रही, किसने कहानी बताई, सच है कि नहीं है, बस वो चलती आ रही हैं बहुत लंबे समय से। सो प्रांजल को पता चलता है, राजवीर बताता है कि भाई तुम्हें पता है चाय का ना, चाय कहाँ से आती है, उसके पीछे की ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कुछ कहानियाँ हैं, कुछ कथाएँ हैं। अब ये सुनकर के प्रांजल को थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि यार मैं चाय की जगह पे यहाँ पर असम में जो चाय के लिए फेमस है वहाँ पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन ये कौन सी कथा है, मैंने तो नहीं सुनी, ज़रा जानते हैं क्या है ये।
सो वो बोलते कि यार बताओ मुझे भी। तो अब यहाँ पर जो प्रांजुल को बताता है राजवीर, वो बोलता है कि देखो दो कथाएं हैं, वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक जो है ना वो किसके बारे में, वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, उनमें से एक है हमारे चाइनीज एक सम्राट के बारे में, चाइनीज राजा के बारे में। अब वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से इसे सुनना क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और एग्जाम के लिए नंबर भी मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो आ जाता है कि चाय के पीछे के लेजेंड्स बताओ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा सीधा बोल देंगे कि वॉट आर द टू डिफरेंट लेजेंड्स जो राजवीर प्रांजुल के साथ शेयर करता है और उसे बताता है। तो एक चाइनीज एम्परर की, एक चाइनीज राजा की पूरी लेजेंड है, एक कहानी है कि माना जाता है कि चाय का इजाद इन्होंने किया था, यहाँ से चाय आई थी, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए। अब वो कहानी पूरी समझ लीजिए, जब समझ में आ जाएगी ना तो आप अपने आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलो, वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अब वो बोल रहे हैं कि एक कहानी है जो चाइनीज राजा की, अब नाम नहीं बताया, बट वो बोल रहे हैं कि वो चाइनीज राजा की आदत थी कि वो जब भी पानी पीता था ना, पानी पीने से पहले उसे उबाल करके पानी पीता था, वो उबाल के पानी पीने की आदत थी उसको, बॉइल करता था वाटर देन वो उसे पीता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ ना जो हमारा पॉट था, उस पॉट को जलाने के लिए, मतलब पानी उबालने के लिए घड़े के अंदर, एक पॉट के अंदर पानी उबाला जा रहा था, उसके नीचे कुछ डंडियां पड़ी थी। अब क्या हुआ कि एक आधा ना उसका पत्ता जो है आ करके उस उबलते हुए पानी में गिर गया, ठीक है, और उस पत्ते ने उस पानी को बहुत ही स्वादिष्ट सा टेस्ट दे दिया। तो माना जाता है वो जो पत्ता था वो एक चाय का पत्ता था, ठीक है। देखो, it fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. यानी कि कहानी जो चाइनीज एम्परर की है ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखने के लिए, बस इतनी सी है कि चाइनीज एम्परर को पानी गर्म करके पीने की आदत थी, ठीक है। अब वो पानी गर्म कर रहे थे एक दिन और माना जाता है कि वहाँ से एक चाय का जो एक पत्ता है वो आकर के पानी में गिर गया और वो उबल रहा था पानी, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ही डिलिशियस सा एक फ्लेवर आ गया पानी के अंदर, और माना जाता है कि वो पत्ता जो था वो चाय का ही पत्ता था, ये कहानी मानी जाती है, ठीक है। अब देखो, टेल मी अनदर। अब जैसे ही प्रांजोल को ये वाली कहानी पता चली तो उसको तो एक्साइटमेंट जाग गई कि वाह ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसने कहा दूसरी बताओ, दूसरी कहानी क्या है चाय को लेकर के, दूसरी कथा क्या है, कहाँ से आती है ये सब। यहाँ पर एक इंडियन लेजेंड आती है, ठीक है, एक भारतीय कथा हमारे इतिहास से जुड़ी हुई। कहते हैं कि भारत से भी जो है चाय का इजाद हुआ था, बोलने में आता है कि चाय जो है इन्वेंट की गई थी कहीं ना कहीं इंडियंस के द्वारा, हम भारतीयों ने उसका इजाद किया था। अब ये जो कहानी है, ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि बोधिरामा, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू बोधिरामा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे बोधिरामा उनका नाम था, एक एंशियंट बुद्धिस्ट, ठीक है, बौद्ध धर्म के कौन थे, एक आप कह सकते हो मॉन्क टाइप के, जो क्या करते हैं, जो पूरा एकदम ऐसे देख रहे हो आप इस टाइप के कपड़े पहन करके, ठीक है, योग में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, जैसे कि हम लोग पंडित बोलते हैं ना, उस टाइप के इंसान, उनका नाम था बोधिरामा। सो ये जो दूसरी कहानी जुड़ी हुई है वो भारतीय लेजेंड है, इंडियन लेजेंड है, जिसमें बोला जाता है कि बोधिरामा जो कि एक बुद्धिस्ट, एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे, उन्होंने अपनी ना पलकें, अब बेटा पलकें क्या होती है, ये जिसको हम क्लोज करते हैं आईलिड्स, जिसको आंखें को ऐसे बंद करने से हमें कुछ नजर नहीं आता है, आईलिड्स को ना उन्होंने अपनी कटवा दिया था, क्योंकि उन्हें ना एक बारी नींद आ गई थी अपनी मेडिटेशन के टाइम पे, यानी ध्यान में बैठे थे और ध्यान में आंखें बंद करके ऐसे बैठे हुए थे और ओम चल रहा था उनका जो भी, ठीक है, और उनको ना उसमें नींद आ गई, तो उन्होंने कहा कि यार नींद आ गई, ध्यान में बैठा था मैं, तो उन्होंने अपनी पूरी जो है आईलिड्स कट करवा दी। और बोलते हैं कि 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो माना जाता है, ये भी बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी कहानी है, माना जाता है कि जो बोधिरामा थे वो क्या कर रहे थे, वो एक बारी मेडिटेशन में बैठे थे और उनको नींद आ गई थी, इस चक्कर में उन्होंने अपनी आईलिड्स कट करवा के फेंक दी थी। अब उन आईलिड्स में से क्या हुआ, 10 चाय के प्लांट्स निकले, 10 टी प्लांट्स उसमें से उगे, और बोला जाता कि अगर उस पौधे के पत्तों को क्या किया जाए, गर्म पानी में डाल करके पिया जाए तो वो नींद भगा देता था, जैसे कि चाय भगा देती है ना नींद, किसी को नींद आ रही हो, सर दर्द हो रहा हो, चाय पीता है। सो ये कहानी है। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो कहानियाँ आती हैं, एक चाइनीज़ कहानी आती है और दूसरी कौन सी आती है, और दूसरी कहानी आती है इंडियन। चाइनीज़ कहानी थी कि हमारे जो चाइनीज़ राजा थे उनको पानी उबाल करके पीने की आदत थी, पानी उबाल रहे थे, एक दिन एक पत्ता आकर के गिर गया
और उस पत्ते ने फ्लेवर दे दिया। कहते हैं कि चाय का पत्ता था। अब यहाँ पर जो कहानी है वो बोधिरामा की है कि वो एक दिन बैठे हुए थे अपने ध्यान में और उनको नींद आ गई, तो उन्होंने अपनी आंखों के ये जो आईलिड्स हैं वही कटवा दिए और पता चलता है कि उसी में से 10 नए चाय के पौधे हो गए और वो जो पौधे हो गए उसके पत्तों को अगर गर्म पानी में डाल करके पिया जाए तो वो नींद भगा देते थे। तो ये दो प्यारी सी कुछ कहानियाँ थी। अब ये कहानी को सुन करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो राजवीर देता है प्रांजोल को, जो कि हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ सकती है, वो कुछ इस तरीके से है कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले चाय पी गई थी चाइना में और वो भी कहाँ पर? एज फार एज 2700 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बहुत सालों पहले। भाई पहली चाय जो पी गई थी कहाँ पी गई थी? चाइना में पी गई थी। कब पी गई थी? 2700 BC। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। अब हम सोचते हैं चीनी शब्द हमने बनाया, नहीं, चाय शब्द हमने बनाया, नहीं भाई, वो चीनी चाइनीज शब्द हैं ये सारे के सारे। सो बच्चे अगर आ जाए क्वेश्चन कि चाय पहली बार कब पी गई थी, 2700 BC किसने पी थी? चाइना में पी गई थी चाइनीज लोगों के द्वारा, चाइना में चाय सबसे पहली बार ही पी गई थी। कौन से शब्द जो हैं चाइनीज भाषा से निकले हैं? टी, चाय, चीनी, ये सारे शब्द जो हम सोचते हैं कि हमारे हैं, भारतीयों के हैं, वो सारे चाइनीज से निकले हैं। और दूसरा वो बता रहे हैं कि टी केम टू यूरोप। भाई यूरोप में जो चाय है वो फैलते 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 कैसे पहुंच गई थी? 16वीं सदी में पहुंची थी एंड वॉज ड्रंक एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। यानी कि यूरोप में कब आई है? यूरोप में आई है 16वीं सेंचुरी में, बहुत ही लेट। सबसे पहले चाइना में पी गई थी, चाइना में 2700 बीसी में पी गई थी। टी, चाय, चीनी जैसे शब्द चाइनीज भाषा से आते हैं। यूरोप के अंदर अब इतनी फेमस हुई कि धीरे धीरे यूरोप तक चाय पहुंच गई, ठीक है, और यूरोप में चाय पहुंची 16वीं सेंचुरी में, 16वीं सदी में पहुंची। और वहां पर ना लोग इसको मेडिसिन के तौर पर लेते थे कि अगर आपकी तबीयत खराब है, दवाई के तौर पर इसको पिया जाता था, ना कि बेवरेज के तौर पर। अब बेवरेज क्या होते हैं? बेवरेज यानी कि ऐसे ही देखो हम लोग अपना होता नहीं, चलते फिरते में कुछ प्यास लगी, कुछ पीना है तो चाय बना करके पी ली। बट उस वक्त क्या था? उस वक्त उसे दवाई के तौर पर पिया जाता था यूरोप में 16वीं सेंचुरी में। सो ये सारी बातें बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें हमारे चैप्टर को भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं और साथ ही साथ हमारे एग्जाम में नंबर भी पक्के कर देती हैं, क्योंकि यही सारी जो चीज़ें हैं यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन ले आते हैं, एक और क्विज ले आते हैं आप लोगों के सामने और पूछ लेते हैं बहुत ही ईजी सा सवाल। सो लेट्स टेस्ट योर नॉलेज, गेट रेडी किड्स, और जल्दी से कॉमेंट सेक्शन खोल करके तैयार हो जाओ, तुरंत आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन है वेन वॉज टी फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाइना के अंदर चाय पहली बार कब पी गई थी? अभी बताया यार मैंने, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, अब तो बिल्कुल भी कोई गलत आंसर आने नहीं चाहिए। सो चाय पहली बार कब पी गई थी चाइना में? जल्दी से आंसर करो, बहुत ही ईजी है, गलती ना हो बस, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर दिया सभी ने आंसर एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर करेक्ट आंसर ही दिया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है यार, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। कब पी गई थी? यहाँ पर देख लो ना, 2700 पर। बेटा एग्जाम में आपको पेज पलटने के लिए नहीं दिया जाएगा, सो याद जरूर रखिएगा 2700 BC, ये जरूर लगा देना। अगर ये भी गड़बड़ लिख दी ना तो भी आपका पूरा डेट गलत मानी जाएगी और आंसर कट जाएगा। सो 2700 BC में पहली बारी चाय पी गई थी चाइना में। सो प्रांजल को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी दे दी है राजवीर ने। राजवीर अपनी पूरी पढ़ाई करके आया कि यार मैं अगर आसाम जा रहा हूँ, आसाम अगर चाय के लिए फेमस है तो मुझे पता होना चाहिए उसके बारे में। पूरी तैयारी करके आया वो, और वो प्रांजल को भी बता रहा है, हमें भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब आगे क्या होता है कि ऐसे बातें करते 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 ना उनकी जो ट्रेन है वो असल में मारियानी जंक्शन पर आ करके रुक जाती है। ठीक है, यानी कि अब वो अपने एरिया में पहुंच गए हैं, अब वो फाइनली असम में आ चुके हैं। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब उन्होंने क्या करा, अपना सामान वामान इकट्ठा किया और धक्का वक्का लगाते हुए अपने प्लेटफॉर्म तक ट्रेन से निकल करके पहुंच गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेखियाबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। अब क्या हुआ,
जैसे ही वो पिट अप, यहाँ पर याद रखना कि कौन से जंक्शन पे उनकी ट्रेन आकर के रुकी थी, मारियानी जंक्शन पे उनकी ट्रेन आकर के रुकी थी, मारियानी जंक्शन पे उनकी ट्रेन आकर के रुकी थी। बच्चों ने अपना सामान उठाया, बाहर गए स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे बच्चों का, और वो जल्दी ही बच्चों का सामान गाड़ी में रख करके कहाँ की ओर निकल पड़े, ढेकिया बेरी, जो कि टी गार्डन है प्रांजल के पापा का, उनके फादर का। तो प्रांजल के फादर के टी गार्डन का नाम क्या है? ढेकिया बेरी। क्या है? ढेकिया बेरी, प्रांजल के पिता के टी गार्डन का नाम। इसे याद रखना है, अभी के अभी लर्न कर लो, लिख लो बेहतर रहेगा। प्रांजल के पिता के टी गार्डन का नाम है ढेकिया बेरी, ठीक है। एन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब क्या हुआ कि एक घंटे तक तो वो कहाँ की ओर निकल चुके थे, वो प्रांजल के पिता का जो टी गार्डन था ढेकिया बेरी, वहां की ओर निकल चुके थे। एक घंटे तक गाड़ी चलाई, फिर एकदम से उसके पिता ने, प्रांजल के पापा ने एकदम से ऐसे ड्रिफ्ट मार दी, एकदम से ऐसे गाड़ी जो है वो मोड़ दी, ठीक है। और कहाँ मोड़ दी? ऑफ द मेन रोड, यानी कि जो मेन सड़क थी वहां से एकदम मोड़ करके एकदम शार्प टर्न लिया, स्विफ्ट एंड शार्प, ठीक है। एकदम से तेजी से मोड़ ली उन्होंने गाड़ी सड़क से उतार करके, और वो कहाँ निकल पड़े? दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकिया बेरी टी स्टेट, यानी कि सड़क पे से वो ऐसा मेन रोड पर जा रहे थे, मेन रोड से एकदम से उन्होंने कट लिया, ऑफ रोड गए, और एक कैटल ब्रिज को पार करके, यानी कि ऐसा ब्रिज जो बनाया जाता है कैटल्स के लिए कि वो इधर उधर से क्या कर सके, इधर से उधर जा सके, पार कर सके, है ना, ये हमारे भेड़ बकरियाँ, ठीक है। सो उस ब्रिज को पार करने के बाद वो एकदम से एंटर कर गए ढेकिया बेरी टी एस्टेट में, यानी कि प्रांजल के पिता का टी गार्डन आ चुका था, ढेकिया बेरी में वो एंटर कर गए, ठीक है। चलो, सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस। ऐसी छोटी छोटी ना ग्रेवल रोड्स बनी हुई थी यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रही होगी बेटा, ठीक है। और वो बोल रहे कि दोनों तरफ, हाँ जी ठीक है, वो बोल रहे दोनों तरफ ना एक छोटी सी ऐसे नैरो सी एक बनी हुई थी, छोटी पतली सी एक सड़क बनी थी, ग्रेवल यानी कि कंकड़, कंकड़ों की वो सड़क बनी हुई थी, और उस सड़क के उस छोटे से पगडंडी के इस पार भी क्या थी? टी बुशेज, और इस पार भी। अब भाई जाहिर सी बात है, टी गार्डन है तो वहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा? चॉकलेट्स थोड़ी देखने को मिलेंगी, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? चाय देखने को मिलेगी। सो क्या हुआ, जैसे ही वो ढेकिया बेरी पहुंचे तो वो जो छोटी सी सड़क जा रही थी बीच में से, उसके इधर भी चाय, इधर भी चाय, इधर भी चाय के पूरे पूरे बुशेस, इधर भी चाय की झाड़ियां, तो हर तरफ चाय की झाड़ियां ही चाय की झाड़ियां थी, ठीक है। अब यहां पर देखो, ऑल नीटली प्रूनड टू द सेम हाइट। अब वो सारी की सारी जो छांटी गई थी, प्रून यानी कि कट किया जाना, सो सारी की सारी एक ही सेम हाइट में कट की गई थी। यहां दिख रहा है बेटा, सारी की सारी एक सेम हाइट के अंदर है। और अगर मैं आप लोगों को पीछे दिखाऊं, अगर हम पीछे जाकर के एक पिक्चर देखें, सो यहाँ पिक्चर में देख रहे हो कुछ ऊंचा नीचे ऊपर नीचे नहीं है, सब कुछ एक बहुत ही प्रॉपर मैनेज्ड तरीके से सब कुछ एक हाइट का है। सारी जितने भी आपकी यहाँ पर टी बुशेज हैं, सारी एक तरफ से एक ही तरीके से एक ही हाइट में छाटी गई हैं। सो इसी की बात कर रहे हैं इसके अंदर कि सारी के सभी की हाइट एक जैसी थी, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। वो बोल रहे ग्रुप्स यानी कि बहुत सारे जो थे लोग थे, और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपनी कमर पर बैम्बू की बास्केट ले रखी थी। अब ये दिख रही है आपको, ये बास्केट दिख रही है ना, बांस की। ये बास्केट किसकी थी? बैम्बू की बास्केट उन्होंने अपनी कमर पे टांग रखी थी। आगे उन्होंने एप्रन पहन रखा था ताकि देखो कपड़े वपड़े कुछ भी गंदे ना हो जाएं। और वो लोग क्या कर रहे थे, नई नई ताज़ा ताज़ा पत्तियों को तोड़ रहे थे और अपनी बास्केट में पीछे ऐसे डाल रहे थे, ठीक है। यानी कि वो पत्तियां जो हैं चाय इकट्ठा कर रहे थे। अब क्या हुआ कि प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब जैसी वो गाड़ी में से निकल रहे थे, गाड़ी जो है उनकी जा रही थी, देखो सीन क्या था बेटा कि जैसे ही वो लोग प्लेटफॉर्म से गाड़ी में बैठे तो उसके जो पिता है प्रांजल के, वो कहाँ लेकर के चले गए, वो लेकर के जाने लगे ढेकिया बेरी, जो उनकी चाय का गार्डन था। अब वहाँ पर उन्होंने एकदम से मेन रोड पे से एकदम कट मारा और एक कैटल ब्रिज को पार करके वो ढेकिया बेरी स्टेट में आ गए। अब वो एक ना
पगडंडी जो थी, आप कह सकते हो बहुत छोटी सी नैरो सी रो थी, उसमें क्या थे, उसमें सिर्फ कंकड़ ही कंकड़ पड़े थे। उसके ऊपर से वो गाड़ी चला करके लेकर जा रहे थे अंदर अपने टी गार्डन की ओर। दोनों तरफ, इधर भी दोनों तरफ क्या था, दोनों तरफ चाय ही चाय के झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। फिर प्रांजोल के पापा ने गाड़ी थोड़ी सी स्लो करी ताकि जो आने वाला ट्रैक्टर है वो साइड से निकल सके। और वो ट्रैक्टर ने क्या ले रखा था, ट्रैक्टर के अंदर भरा पड़ा था पूरा का पूरा फ्रेश, आप कह सकते हो टी लीव्स, चाय की पत्तियां ही पत्तियां भरी पड़ी थी। यानी कि जाहिर सी बात है कि वो चाय स्टेट है, है ना, टी स्टेट है, टी गार्डन है, उसमें जितनी भी टी जो है और टी लीव जो है जो प्लक करी जाती हैं, जो तोड़ी जाती हैं, वो कलेक्ट की जाती होंगी। और वो ट्रक जो है, वो जो ट्रैक्टर है, वो उन सभी कलेक्टेड टी लीव्स को लेकर के कहीं जा रहा था। सो यहाँ पर क्या हुआ कि दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बारुआ। अब क्या हुआ, अब हमारा राजवीर जो है, जो इतना स्मार्ट है भाई, कहीं जाने से पहले उसने ना उस जगह के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, सब कुछ पढ़ रखा था उसने। एकदम से मिस्टर बरुआ को, यानी कि हमारे प्रांजोल के पापा को, एक क्वेश्चन करा कि ये सेकंड फ्लश है ना, या फिर हम इसे स्प्राउटिंग पीरियड भी कह सकते हैं, क्यों मिस्टर बरुआ? यानी कि वो दिखा भी रहा था कि देखो मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे को पूरी नॉलेज है और मैं पूरी छानबीन करके अपना पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। यानी कि अभी ये जो आप लेकर के जा रहे हो इतनी सारी चाय की पत्तियाँ, ये स्प्राउटिंग सीजन है, यानी कि ऐसा सीजन है, ऐसा मौसम है जिसमें बहुत नई नई जो है पत्तियाँ आ रही हैं, या फिर इसका नाम सेकेंड फ्लश है। अब राजवीर का ये सवाल पूछते ही, इट्स लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, ठीक है, उसने क्या बोला कि ये जो है ये कब से चलता है, ये मई से लेकर के जुलाई तक चलता है और इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन चाय जो है वो मिलती है। ये जो पूरा का पूरा स्प्राउटिंग पीरियड या सेकेंड फ्लश है वो कब से कब तक लास्ट करता है, मई से जुलाई, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। स्प्राउटिंग सीजन या सेकेंड फ्लश, इसको एक ही नाम से, एक ही चीज़ है, दो नाम से जाना जाता है, सेकेंड फ्लश भी बोलते हैं, स्प्राउटिंग सीजन भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें कही जाती हैं, स्प्राउटिंग सीजन एंड सेकेंड फ्लश दोनों कहा जाता है इसको। ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है एंड इसके अंदर बेस्ट टी, मतलब इसमें सबसे बेस्ट टी आपको मिल सकती है। ये जो पीरियड है ना, ये जो टाइम है मई से जुलाई का, इसमें जो चाय उगती है वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। अब ये सुनकर के हमारे मिस्टर बरुआ तो इम्प्रेस हो गए, कहते बेटा तुमने तो अपना पूरा होमवर्क कर लिया है यहाँ पे आने से पहले, यानी कि सारी चीज़ें तुम लोग अच्छे से, तुम पूरी जान के देख करके आए हो। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, और ये देख करके उन्होंने एकदम, मतलब वो शॉक्ड थे भाई। जाहिर सी बात है कि एक बच्चा जो पहली बार ही आ रहा है, उसको नहीं पता है, वो चीज़ों को देखकर हैरान हो रहा होगा, लेकिन वो तो पहले से चीज़ों के बारे में जानकारी करके आया है कि भाई ये सेकंड फ्लश है, ये स्प्राउटिंग सीजन है, मई से लेकर जुलाई तक चलता है, इसमें सबसे बेस्ट टी आती है, है ना, और सारी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर रखी है। टी लेजेंड्स के बारे में उसे पता है कि भाई चाय कहाँ से आती है, कहाँ पे सबसे पहले पी गई थी चाइना में, 2700 BC में पी गई थी, 16th century में इंग्लैंड में आई, सारी की सारी उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन सुन करके मिस्टर बरुआ हैरान कि वाह, आप तो लगता है कि सारी की सारी अपना होमवर्क अच्छे से करके आए हो भाई, है ना। सो यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। और राजवीर खुशी खुशी बोला कि हाँ जी, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूँ, बट मेरे को पूरी होप है, पूरी आशा है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे और सीखने को मिलेगा। सो ये है हमारा पूरा चैप्टर टी फ्रॉम असम, जिसके अंदर देखो चाय से प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन ठीक है, चाय के बारे में जिस चीज़ से आपको प्यार है उसके बारे में चीज़ें पता रखना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना एक अलग बात है। तो अभी तक आई होप कि टी लवर्स की जो टीम है, जो चाय पसंद करने वाले जितने मेरे बच्चे हैं, ठीक है, उन सबको चाय तो पसंद थी, पर शायद ये चीज़ें नहीं पता थी जो आज हमें भी सीखने को मिली राजवीर से। राजवीर ने केवल प्रांजोल को नहीं बताया, मिस्टर बरुआ को नहीं बताया, उसने जो पढ़ाई करी वो हमारे काम भी आ गई, उसने हमें भी बताया कि यार बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत नई नई चीज़ें मिली है, बहुत कुछ हमें जानने को मिला है, ठीक है। सो अब आप लोग भी चाय के बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हो, तो इसको याद जरूर रखना, भूलना मत, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको नहीं पता है, ठीक है, उनको भी बताना कि देखो यार मैंने एक चैप्टर पढ़ा था टी फ्रॉम असम, और उसके अंदर बहुत मस्त मस्त बातें बताई गई थी चाय के बारे में। सो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि चाय के बारे में, चाय आती कहाँ से है, चाय चीनी वर्ड्स एक्चुअल में चाइनीज वर्ड्स है, सारी बातें बताना, ठीक है, चलो। सो ये हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है, इसके अंदर हमने चाय के बारे में तो जाना ही जाना, सीखा ही सीखा, पर बच्चे हमने इसके अंदर बहुत सारी, टिपिकली आप कह सकते हो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी देखी हैं, उसे याद आपको रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में वो सबसे ज़्यादा काम आता है।
ठीक है। सो ये पूरा चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं एंड इसी के साथ आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसमें आपको पूरा चैप्टर जो है एक बारी में समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी एक बारी में समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइव चैट में नहीं, मैं दोबारा से बताना चाहूँगी बच्चे कि आप लाइव चैट को बंद करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप और किस टॉपिक पर और किस चीज़ पर वीडियो चाहते हो, उस चीज़ पर ज़रूर हम वीडियो बना करके लेकर आएंगे आपके लिए। मैं ज़रूर उस चीज़ पर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी। सो आप को ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये पूरी लेक्चर कैसा लगा, उसको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप इसमें कोई फीडबैक देना चाहते हो कि मैम इसको और आप इस तरीके से समझा दीजिए, मुझे ऐसे समझ में आएगा, इसमें और मेरी हेल्प चाहिए, मुझे इसमें और हेल्प चाहिए, इसमें और मेरी हेल्प कर दीजिए, जिस भी प्रकार की हेल्प चाहिए, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी सुझाव है, कोई अगर ऐसा भी कमेंट है कि आपको कोई कमी भी लगी वीडियो के अंदर, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। लाइव चैट में नहीं, दोबारा मैं बोलूंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। और अगले सेशन के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगले सेशन में हम करने वाले हैं इसका क्या, अगले सेशन में हम आ रहे हैं इस टॉपिक का करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा MCQ, जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। और क्योंकि हम लोगों ने ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पूरा टॉपिक कर लिया है, हमने अचीव फ्रॉम असम, कूर्ग और अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि हमारे पूरे तीनों की तीनों जो जर्नी है, जिस ट्रिप पर हम निकले थे, वो ट्रिप खत्म हो चुकी है, पूरा चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। तो इसी के साथ अब अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं लाइव आ रही हूँ आप लोगों से मिलने। सो तैयारी पूरी करके रखना, खूब सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगी, ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, ताकि तुम लोग ट्रिक हो जाओ, और देखते हैं जिसकी तैयारी अच्छी होगी तो वो तो जीत ही जाएगा यार। तो अगली क्लास में ना अपन एक मस्त सा बढ़िया सा गेम खेलेंगे, सो उसके लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। एंड भूलिएगा मत बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।